को आज हम नहीं लेके जा रहे क्योंकि आज आई हुई है बीटा आई हुई है, तो केजिया जो है ना वो बीटा के पास रहेगी। तो बाय कर दो केजी, बाय कर दो मेरा बच्चा। आज आके हम प्लांट्स वगैरह भी लगाएंगे और गमलों के अंदर टुकड़ी। आज ना बड़े दिनों बाद ना हम केजिया को ना वैसे घर में छोड़ के आए हैं, तो काफी देर बाद उसको छोड़ा है ना शजार। पहले जब बेटा हमारे पास रहती थी ना, तो फिर हम केजिया को सुबह सुबह घर छोड़ जाते होते थे, लेकिन अब काफ़ी देर से ना केजिया हमारे साथ ही जा रही थी, तो मुझे और शजाद को भी नहीं अच्छा लगा। अभी मुझे छुट्टी हुई है तो हम बेटा को ड्रॉप करने आए हैं उसके हॉस्टल में। हेलो बेटा, फिर बाय। चल बाय कर दे। और केजिया, केजिया परेशान हो रही है बहुत। नो चलो बाय। क्या मिल लिया? मेरी जान है छोटी सी जान। बेटा एक दिन के लिए आती है हमारे घर और फिर ये पूरा महीना बेटा को याद करती है, ऐसे ही ना बेटा बेटा बोलती रहती है, पुप्पो नहीं कहती। बेटा चली गई। बेटा बेटा किधर गई है? ए इधर बुका कर, इधर बुका कर ले बुका बुका। वही मेरा मासूम बच्चा। अभी हमने अम्बाला से ना मिल्क लिया, बेटा को छोड़ के आए थे तो वापस जा रहे थे, तो अम्बाला मिल्क शॉप आई थी। इनका दूध बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आप लोगों ने ना इनका रिव्यू देखना हो ना, तो मैं पहले वीडियो इनकी बना चुकी हूँ, है ना शजाद? इनकी लस्सी का रिव्यू किया था, है ना? तो खाना रेडी हो गया, 1.5 घंटे में खाना रेडी किया। अभी मैंने 4:30 हो गए हैं और दोपहर का लंच हो रहा है हमारा। ना ये लंच है ना ये डिनर है। वैसे आम रूटीन में ना डेली मैं शाम को खाना बना लेती हूँ, तो आते ही हम 2 बजे खाना खा लेते हैं। आज लेट हो गया काफ़ी। केजिया को लेग पीस पसंद है। यामी केजिया, यामी वेरी यामी, यम 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 मामा। तो खाना खाने के बाद अभी हम पी रहे हैं चाय, और चाय टाइम हो रहा है। तो आज उसके बाद फिर हम प्लांट्स वगैरह लगाएंगे। मैंने काफ़ी देर से ना वो जो अलफजल वगैरह से मिलते हैं ना, वो क्या मिलते हैं शजान? अलफजल से कुछियाँ सी मिलती हैं, ठीक है, मिट्टी की, तो ना हांडियाँ मिट्टी की हांडियाँ मिलती हैं, तो उसके अंदर वो ना देते हैं कोरमा वगैरह डाल के, ना कढ़ाई डाल के देते हैं, तो वो मैंने संभाल के काफ़ी ज़्यादा रखी हुई थी, तो उसके अंदर आज हम प्लांट्स लगाने लगे हैं। और आज March 1st है, और इस ये वाला मंथ जो है ना वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस मंथ में ना मैं पैदा हुई और इस मंथ में मेरा बर्थडे है। तो कोई गैस करेगा कि मेरा बर्थडे जो है इस महीने की कौन सी डेट को है? मैं जो हमारे रिलेटिव्स है ना वो गैस मत करें। मैं कर लेता हूं। नहीं आप मत गैस करो। तो गैस करें मेरा बर्थडे कौन सी डेट को है, फिर बर्थडे व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वैसे हम ज़्यादा तो नहीं सेलिब्रेट करते, मैं और शहजाद जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं और खाना वगैरह खाते हैं, बाय डिनर कर लेते हैं, लेकिन अभी मेरा चैनल है तो मुझे थोड़ा सा सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा ना। तो फिर कर लेंगे सेलिब्रेट। हाँ, और अभी 2-4 दिन पहले 25 फेब को जो थी मेरे भाई की बर्थडे थी, वो आप में से बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा चैनल पर, उनका भी चैनल है, तो आपने उनकी बर्थडे तो देख ली होगी। अब मेरी बर्थडे आने वाली है। लगाने लगे थे अभी प्लांट्स,
और हमने देखा शिफ्ट करने लगे तो एक गमले में लगे हैं उसका दूसरा तो मिट्टी नहीं है मिट्टी का क्या कर सकते हैं नहीं एक में है एक में तो एक में है मिट्टी और बाकियों में बाकियों के लिए हमारे पास नहीं है वो जो पॉट्स आपको मैं बता रही थी ना हमारे पास है उनके लिए मिट्टी नहीं है तो अभी फिर एक में प्लांट कर लेते हैं बाकी बाद में लगाएंगे। गमलों का हमारा बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है पेंट करने वाला है अभी हम इसको पेंट भी करेंगे और कलर लेके आएंगे बाज़ार से फिर पेंट कर लेंगे फिर आपको मैं दिखाऊंगी। अच्छा ये एक पौधा ना अगर किसी को पता है तो बताना ये पौधा पता नहीं कौन सा खुद ब खुद ही निकला है इस गमले के अंदर ये जंगली ग्रास है और ये मेरे बचपन का पौधा है और ये मुरझाता ही नहीं है और कवार के अंदर हमारे घर में बहुत लगी हुई है इसी को ना ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना छोटे छोटे पौधे हैं इनको निकाल के ना हम तो इसमें शिफ्ट कर लेते हैं। शहजादा जमाली बन गए ये पहले हमने ना इसको पानी लगा के ना इसको नरम किया था और कीजिया का हाल देख लो हाय जो पहने भी नहीं है शूज भी नहीं पहने हुए क्या कर रहा है डूडू क्या कर रहा है जूना मामा का मम्मा की जान क्या कर रही है चला शूज पहन के आ जा हाथ दे मामा को जल्दी से जीजू मामा को दे दो हाथ शूज पहन के आते हैं शूज शूज बाबा हम शूज पहन के आते हैं वो कहती है नहीं मैंने बाद में शूज पहने हैं पहले वाओ किसिया क्या होने लगा बेटे ये खाने की चीज नहीं बेटे करना तूने भी कर ले चल बस निकालना कौन सा इसमें तो छोटे बच्चे हाँ इसमें से छोटे बच्चे निकाल लो ना कुवार के अंदर के एक ये है दो तीन निकाल ना कटने नहीं नहीं जलड़े नहीं कटेंगे उसको नरम कर लो ना नीचे से निकला है वैसे ही निकला है वो इधर कर लो गमला भाई शहजाद उसने खराब कर देना उसको मत पकड़ाना पौधे लगा के कितना अच्छा लगता है ना दिल को सुकून मिलता है कि हम पौधे लगा रहे हैं मुझे और शहजाद को गमले पौधे जो है ना इतने ज़्यादा पसंद है ना जब हम जब हमारा अपना घर होगा ना फिर हम अपने घर में ना एक लॉन बनाएंगे उसमें बहुत सारे सारे पौधे प्लांट करेंगे है ना अब इसको नरम कैसे करें है ना शहजाद निकला कितना प्यारा है छोटा बेबी प्लांट ये जब बड़े होंगे कितने अच्छे लगेंगे है ना जब बंदे ने खुद प्लांट किए हैं पौधे बड़ी खुशी होती है ये लगाने नहीं दे रही क्या इसे वो पकड़ लो रंबा पकड़ लो इसे चल बस अब देखो देखो कितना प्यारा है प्लांट वाव इसको दबा देते पारी ये वाला निकाल लो ये वाला रुक 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 ना तो ओ नो 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 निकाल रहे हैं बेटे अब इनको ना मैं मेहरून और वाइट कलर भी करूंगी गमलों को ना लाके बाजार से ये है झाड़ू से ना 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 कीजिया के बालों के नूडल्स भी देख लो चलो भाई प्लांट लग गए काफी दिन हाँ काफी है इन्होंने फैल जाना काफी ज्यादा तो उठा ले अपना जल्दी से अंदर रख के आओ भाग के जाओ भाग के अरे मेरी बेटी है ज्योति जी काम करती है ज्योति ज्योति जी चल जाएंगे आपको ये लग रहा है कि दो प्लांट्स की जड़ें नहीं थी है ना नहीं वो चल पड़ते हैं ये तो क्या इसको कहते हैं क्वाल गंदर जो है ये तो चल ही जाती होती है नो 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 इधर आ जाओ किसिया लो जी हमारा पौधा लग गया एक गमले में बहुत ज्यादा मत डालो शहजाद अभी अभी जड़ें उसकी है ना ऊपर ऊपर ही है
हम अपने घर की खेती और बढ़ाएंगे। तो हमने प्लांट लगा लिए और एक ही गमले में लगाया, बाकी हमारे पास छोटी छोटी से मिट्टी के बॉल क्या कहते हैं उसको, हांडिया, मिट्टी की हांडियाँ हैं तो उनमें हम लगाएंगे। अभी हमारे पास मिट्टी नहीं है तो मिट्टी कहीं से ढूंढ ढांड के बाहर से लेके आएंगे, है ना शदान? एक शॉपर ले आएंगे, एक शॉपर बाहर से भर भर के ले आएंगे कहीं से उठा उठू के। हाँ तो वो भी छोटे छोटे से बर्तन है, दिखा दो आप कैसे बर्तन है। वो हमने इधर बैक साइड पे रखे हुए हैं, शदाद लेने के लिए जा रहे हैं। अभी वॉश करके दिखाएंगे। ये वाला है, अभी वॉश करने वाला है। ये हमने उधर बाहर वाली साइड पे रखा था, आप वॉश कर लो, थोड़ा सा मिट्टी पानी मार ले। नहीं ठीक है, अभी कौन सा। हाँ बाद में इसको नीट एंड क्लीन करके आपको चेक करवाएंगे, प्यारा बहुत लगेगा। कई लोगों ने ना इस तरह के जो छोटे छोटे गुलदान होते हैं ना ऐसे ऊपर लटकाए होते हैं हवा के अंदर ना, तो वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। शाम का मौसम मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, मेरा दिल चाहता है कि बस टेरेस पे ही रूम में, टेरेस पे। हमारा टेरेस क्या है, हमारा घर ओपन सा है, ये दो अंदर रूम्स हैं सारे और ये बाहर सारा ओपन एरिया है। बाजार जाना कीजिए आप, आज मेरा ना कोई चीज़ खाने को दिल कर रहा है, काफ़ी दिनों बाद दिल किया है। आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा है, चले चले चलो फिर आप आ जाओ चेंज करके, पैंट पुंट पहन के कौन ही पेट में फंस गए। पेट पहले ही अंदर ऊपर से मेरी कौन ही फंस गई है। पंजाबी है ना तो जैसे मर्जी उर्दू बोल ले, उर्दू स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, लेकिन पंजाबी वर्ड जरूर हमारे बाहर आते हैं। कोहनी चेंज कर लो आप, फिर चलते हैं, ठीक है? मौसम अच्छा है, मौसम का फायदा उठा के लाते हैं। अभी अभी इनके शॉप हुए हैं, आइसक्रीम खाने जाने लगे थे कि किजिया के डायपर और किजिया का दूध वगैरह भी ख़त्म हुआ है, तो फिर अभी हम छोटी मोटी ग्रॉसरी भी करके ले आएंगे फिर, तो चले मिलते हैं जाके बाजार में। ये है शाम का खूबसूरत मंजर लाहौर का, हमारे बाहर निकले ना जौहर टाउन वाले एरिया से तो बाहर बहुत सारे होटल हैं छोटे छोटे। पाकिस्तान में जो भी है, पाकिस्तान में जब भी निकलो चाहे डे में चाहे रात में, यहाँ पे रौनक बहुत होती है ना शहजाद? बस रौनक ही तो पाकिस्तान की याद आती है बाहर के लोगों को। हाँ छोटे शहरों में भी, हम तो गुजरा जाते हैं तो वहाँ पे भी इंतहाई रश होता है, और लेकिन लाहौर की तो बात ही क्या है, जो एक बार लाहौर में आ जाता है ना उसका दिल लाहौर से फिर वापस जाने को नहीं करता। ये आइस टेक है, अभी आइसक्रीम ऑर्डर की है हमने तो गाड़ी में ही हम खाएंगे। वो आइसक्रीम ले ली है हमने, मैं कोन ही लेती हूँ क्योंकि मुझे कोन पसंद है खाना, तो शहजाद ने नहीं ली, शहजाद ने नहीं ली, किजिया सो गई है और शहजाद ने नहीं खानी क्योंकि उनको ठंडी चीज़ों से प्रॉब्लम होता है। तो अभी फिर हम घर जा रहे हैं, और अगर आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और इंजॉय करें आइसक्रीम।